हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आज हम लोग स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें हमने आज टॉपिक रखा है कि ईसीएम को ऑन टेबल कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। एक मेथड होता है ऑनबोर्ड। आगे ऑनबोर्ड के अंदर हम लोग ऑन टेबल ईसीएम के साथ सेंसर्स लगा लेते हैं। सेंसर लगाने के बाद हमें 100% रिपोर्ट आती है कि हमारा ईसीएम 100% प्रॉपर ऑन होकर काम करेगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक्सीलेटर पैडल सेंसर लगाया हुआ है। एक्सीलेटर पैडल सेंसर के दो सिग्नल होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं और दो ग्राउंड होते हैं। तो सिग्नल से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा जो ईसीएम हमने रिपेयर किया, हमारे पास जो कंप्लेंट आई उसको हम लोगों ने क्लियर करने के बाद चेकिंग कैसे करनी है ऑन टेबल। ये सबसे जो बढ़िया तरीका है जिसको हम लोग यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं, और इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता। आप लोग एक पैडल को यूज़ करके बहुत से व्हीकल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो फॉल्ट को। दूसरा, मैं दूसरे जो सेंसर है उसके बारे में आपके साथ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको अभी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में हम लोग कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे ईसीएम पे काम करते हैं हम लोग चेक कर रहे हैं। आइए, ये हम लोगों ने एक्सीलेटर पैडल सेंसर हम लोगों ने टेबल के ऊपर ईसीएम के साथ अटैच कर लिया। तो इससे होता क्या है, जब भी कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है कि ईसीएम के अंदर एक्सीलेटर पैडल का कोड आ रहा है, तो हम लोग अपने टेबल के ऊपर उसको पहले स्कैन करते हैं जो कस्टमर ने कंप्लेंट की, कोड आ रहा है। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज और सिग्नल पिन के अंदर वोल्टेज चेक की। सपोज करो हमें एक वोल्टेज नहीं मिली, हम लोगों ने चेक भी कर लिया कि हमारा सपोज करो एक जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा इधर, तो हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर है ईसीएम भी। तो ये चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी किसी भी ईसीएम के अंदर एक्सीलेटर पैडल की, दोनों सेंसरों में हाफ का डिफरेंस होता है। जैसे ये 369 है, ये 686 है, 686। तो ऐसे ही एक में दो वोल्टेज आएगी तो एक में एक वोल्टेज होगी, तो ऐसे आपको ये डिफरेंस मिलेगा एक्सीलेटर पैडल सेंसर की वोल्टेज में। अगर हम लोग इधर से एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। ये देखो वर्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत जल्दी कस्टमर को डिसीजन ले सकते हैं कि हमने ईसीएम रिपेयर कर दिया है या नहीं। ऐसे ही हम लोग आगे और सेंसर पे भी एक बार ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से काम करने में हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है।